गए थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा है कि एक साइकिल है उसका व्हील 560 बार घूमता है तब वो 1.1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो व्हाट इज इट्स रेडियस। रेडियस आपसे पूछी गई है वो भी सेंटीमीटर के अंदर। तो सबसे पहले तो ये 11 किलोमीटर है, 1.1 किलोमीटर में इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। तो सबसे पहले ये तो हो गया मीटर में बदल गया, उसके बाद में ये सेंटीमीटर में बदल गया। 560 रिवोल्यूशन यानी एक रिवोल्यूशन में कितना घुमा होगा, डिवाइड कर दिया मैंने पूरी डिस्टेंस, ये हो गई एक चक्कर के अंदर एक बार जब वो घुमा होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 560 से डिवाइड कर दिया वहां पे, और ये आता है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और यहां से जो पाई की वैल्यू अपने को दी हुई है 22/7, तो r निकाल लीजिए, r आ जाएगा आपका, बस कैलकुलेशन करना है अब आपको, ठीक है। तो 7 आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 560 और ये 22 और 2 नीचे चले जाएंगे, 22 और 2 काट लीजिए इसको, 11 से काटा 4, ठीक है, फिर ये 4 से काट दो इसको एक साथ, ये आ गया, ठीक है 2500 आ गया, ये 0 काट दो, 7 8 56, तो ये कितना आ जाएगा आपका 250/8, 8 3 24, 8 1 8 31 पॉइंट कुछ आएगा, और एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऐसा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एज के जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं, जैसे जैसे लैंग्वेज दी होती है वैसे वैसे इक्वेशन बना दीजिए, प्रेजेंट एज को मान लीजिए और आगे पीछे की एज को उसके अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसने क्या बोला है, इलियाना की जो 15 साल बाद जो एज होगी ना, तो 15 साल बाद क्या एज मान लेते हैं, इलियाना की प्रेजेंट एज ई मान लेता हूं मैं, 15 साल बाद ई प्लस 15 हो जाएगी, विल बी 5 टाइम्स ऑफ हर एज 5 ईयर बैक, 5 साल पहले कितनी एज होगी इलियाना की, ई माइनस 5, और कितने टाइम्स, 5 टाइम्स हो गई, यानी कि 15 साल बाद इलियाना की जो 5 साल पहले एज थी वो उसकी 5 गुना हो जाएगी। तो ये मैंने बना लिया, प्रेजेंट एज आपसे पूछिए तो सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको, यहां से इस ई को इधर ले जाइए तो यहां 4e हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो ये 40 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 10 ईयर, तो इलियाना की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक आदमी है एक गाय को 3000 रुपये में खरीदता है, उसे उसी दिन 3600 रुपये में बेच देता है, ठीक है, लेकिन जो खरीदने आता है उसको बोलता है कि 2 साल बाद तक पैसे दे देना आप, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट हो गया तो उसको देना है सामने वाली जहाँ से वो 3000 रुपये लेके आया है, तो कितना उसका प्रॉफिट होगा। तो देखिए 3000 रुपये में लिया उसने, 3600 में बेच दिया, लेकिन 2 साल बाद में 3600 रुपये ले रहा है तो उसके कितने में पड़ गए, 10% हो गया, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 300 600 रुपये, यानी 3600 में ही खरीदी और 3600 में ही बेच दी, 0% प्रॉफिट 0% लॉस। यहाँ पे दोस्तों बेचा उसने 3000 में ही है, लेकिन क्या कर रहा है वो 2 साल बाद में पैसे ले रहा है, ठीक है, इसलिए उसको कोई ना तो कोई लॉस हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट उसके अंदर जुड़ जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। 3 घंटे 45 मिनट में एक नाव है डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा के अंदर, ठीक है, इतने टाइम के अंदर वो पहुंच जाता है, 2 घंटे 30 मिनट में यानी 2.5 घंटे के अंदर वो उसके विपरीत दिशा के अंदर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो जो आपको स्पीड है ना वो किसकी फाउंड करनी है, स्ट्रीम की स्पीड फाउंड करनी है, जो रिवर की स्पीड है वो फाउंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले तो इनको जो ओवर्स दिए हुए इनको घंटे में बदल लो, तो ये आ गया 60 से डिवाइड कर दिया सिंपल, ठीक है, 4 3 12 15/4 आ गया, और यहाँ पे कितना जाएगा 1/2 यानी कि 5/2 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद में आप लोगों को पता है कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, तो चाल क्या होती है दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 15 और समय कितना हो गया 15/4, ठीक है, तो यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 किलोमीटर/ओवर। इधर से देखो 5/5/2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर/ओवर। अब देखो जब धारा की दिशा में चलती है तो स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4 है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो माइनस हो जाती है तो 2 है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम की स्पीड काटनी है तो माइनस कर दो इसको, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, फिर 2s इज इक्वल टू 1 km/h आपका आंसर आ गया किलोमीटर पर ओवर।
दोस्तों ये अगर सारे टॉपिक्स आपको बेसिक लेवल से पढ़ने हैं, एकदम जीरो लेवल से लेके एसबीआई लेवल तक पढ़ने हैं, तो हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसको एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, आपकी तैयारी में बहुत अच्छा फर्क आएगा। तो मोबाइल नंबर मैंने शुरू में भी दे दिया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8955974739। इस पे फ़ोन करके आप लोग जो ऑनलाइन कोचिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं सारी बेसिक लेवल से हम लोग वहाँ पे लेके चलेंगे, उससे आपकी जो तैयारी होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी टारगेट बेच चल रहा है 2017 के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आरआरबी और पीओ का। तो उसमें सेलेक्ट होने के लिए आप ज़रूर से ऑनलाइन कोचिंग को एक बार ज़रूर से ज्वाइन करके देखिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको मोबाइल नंबर दे दिए हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ए सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू ए ब्रेथ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस। वेट सरफेस जो गीली हो गई है सरफेस पानी के कारण, उसका अपने को एरिया निकालना है। देखो सिस्टर्न कैसा होता होगा, मान लीजिए ऐसा था, अब देखो यहाँ पे पानी भर दिया गया है, एक हाइट तक पानी भर दिया गया है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक भर दिया, मान लो पूरी हाइट कितनी अपने को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल वेट एरिया, तो देखो एक तो ये वाली सरफेस गीली हो जाएगी और एक इसकी जो अपोजिट साइड में पीछे की साइड में होगी वो गीली हो जाएगी, एक इधर से, तो इसकी देखो कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर लॉन्ग है और हाइट कितनी है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर को बदल लीजिए मीटर के अंदर, तो 1 सही 1/4 यानी 5/4 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 मीटर और 5/4 मीटर सबसे पहले तो ये हो गया, तो 6 × 5/4 मीटर और कितनी, एक आगे वाली और एक पीछे वाली, सेम सरफेस होती है दोनों की दोनों। अब आ जाओ साइड वाली में, ये वाली भी इतनी गीली हो गई होगी, तो ये कितनी है 4 और हाइट 1.25, तो 4 × 5/4 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर से आ जाओ। अब दोस्तों देखिए, लेकिन ऊपर वाली सरफेस तो गीली नहीं होगी ना, सिर्फ नीचे वाली सरफेस गीली होगी 6 × 4 वाली, तो क्योंकि हाइट तो पूरी तक पानी भरा ही नहीं है, तो नीचे वाली सरफेस की लेंथ कितनी होगी 6 × 4, ये एरिया हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए आप लोग, तो ये आ गया 15, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया 24, तो टोटल आपका आ जाएगा 49, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 49 मीटर स्क्वायर। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आरआरबी में पूछा था, मेंसुरेशन भी हमारा ऑनलाइन कोचिंग में चल रहा है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब हम ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो आपको पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देता है, उसके बाद में नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए एकदम परफेक्ट है ऑनलाइन कोचिंग, तो ये किसी को नहीं सोचना है कि सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार स्किप कर देते हैं अपन लोग। द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 and 2:3, ठीक है। एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, इसमें 4:3 है, इसमें 2:3 है। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड इन बोथ वेसल बी मिक्स्ड इनटू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर, दोनों को मिक्स करना है, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। हाफ मिल्क हाफ वाटर का मतलब क्या हो गया, आधा मिल्क यानी 1:1 हो गया, आधा मिल्क हो गया आधा वाटर हो गया, तो 1:1 में चेंज हो गया। तो कितने अनुपात में इन दोनों को मिलाया गया होगा, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप तीनों को बराबर कर लीजिए, पहले तो ऐड कर लीजिए 7, 5, 2। अब देखो तीनों को बराबर करने के लिए क्वांटिटी के लिए ऊपर 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और नीचे 7 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 7 × 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 14 से और यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई, तो साथ में जो रेशियो वो भी उतने से मल्टीप्लाई होंगे, ये 10 से, ये भी 10 से, ये 14 से, ये भी 14 से, और ये 35 से और ये भी 35 से। अब किसी भी तरीके से आ जाइए आप लोग, या तो मिल्क ले लीजिए या वाटर ले लीजिए। मिल्क क्या हो गया यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या हो गया 28, और ए प्लस बी में एलिगेशन किस में लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी में, ये लीजिए यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 7:5 आ गया। अगर आप यहाँ से आना चाहते हैं वोटर से, तो वोटर से भी आ जाइए 30, 28 और 42 और आपका 35, तो ये आ गया 5, ठीक है, और ये आ गया 7, तो दोनों से 7:5 ये आंसर आएगा आपका, चाहे किसी से भी आ जाइए। मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक अपना ऑनलाइन कोचिंग में कंप्लीट हो चुका है, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, हमेशा जब भी रेशियो दिया होता है तो किसी भी, या तो मिल्क से आ जाइए, मिल्क में एलिगेशन लगा दीजिए या वाटर में एलिगेशन लगा दीजिए, सबसे पहले रेशियो बराबर करना है, उसके बाद में किसी भी एक के अंदर एलिगेशन लगा दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपका एकदम इजीली विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 12 रुपये, 10 बुक की जो प्राइस है वो 12 रुपये है, ठीक है, और 8 बुक की जो एवरेज प्राइस है वो 11.75 रुपये है, रिमेनिंग 2 बुक हैं उनकी जो प्राइस है, एक बुक की प्राइस दूसरे से 60% ज़्यादा है, ये दिया हुआ है, तो व्हाट प्राइस ऑफ ईच बुक, जो दो किताबें बच गई उनकी प्राइस क्या क्या होगी, ठीक है, तो 10 बुक हैं तो वो सबसे पहले 10 बुक की प्राइस दी है, तो टोटल प्राइस एवरेज के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। अब क्या किया इसने, 8 बुक 11.75 में बेच दी, अब देखो कुछ लोग 11.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 11.75 को वैसे भी चेंज कर सकते हो आप, डिवाइड बाय 100, क्या आ गया ये 3/4, ठीक है, तो ये 44 47/4, 4 × 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 94 आ जाएगा एकदम सिंपली आपका। अब कितने रुपए बच गए, 26 रुपये बच गए, ये 26 रुपये कितनी बुक के हैं, दो बुक के हैं, बुक वन और बुक टू। अब क्या दिया गया है, बुक वन बुक टू, इसने बोला है अगर पहली बुक 100 रुपये में बिकती है तो दूसरी बुक कितने रुपये में बिकेगी, 160 रुपये में बिकेगी, रेशियो निकाल लो 10 और 16 आ गया, 10 रेशियो 16, टोटल कितना हो गया 26, और क्वेश्चन में भी कितना दिया गया है 26, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 ही आ गया, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 ही आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 और 16। दोस्तों जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ रखा है, हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो उन लोगों को, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे इन चीज़ों को तो बाद में आपको ये ट्रिक सारी समझ में आ जाएंगी। ए फोर्ट हैज प्रोविजन फॉर 60 डेज, यानी कि एक किला है वहाँ पे 60 दिन का कुछ प्रोग्राम है, इफ आफ्टर 15 डेज 500 मेंस, 500 लोग और आ गए, ठीक है, और फूड उसके बारे में 40 दिन तक और चला, हाउ मेनी मेंस आर देयर इन फोर्ट, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, मान लिया एक्स लोग थे, 60 दिन तक खाना खाया था तो टोटल फूड कितना हो गया, टोटल फूड एक्स मल्टीप्लाई बाई 60। अब 15 दिन तक 500 आदमी और आ गए, तो देखो 15 दिन बाद में, तो 15 दिन तक तो कितने लोग थे, एक्स लोग ही थे, 15 दिन बाद कितने लोग और आ गए, 500 लोग और आ गए, तो जोड़ दो, और कितने दिन तक खाना चला, 40 दिन तक और चला, लेकिन टोटल खाना कितना था, 60x था, इसको सोल्व कर लो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से 55x आ जाएगा प्लस 14 × 500 आ जाएगा और ये 60x आ जाएगा, इधर से इसको इधर ले जाओगे तो 5x आ जाएगा, x हटा दो तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो आंसर है आपका वो 4000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन अपन लोग टाइम वर्क के जो कॉन्सेप्ट होता है उसी के अंदर पढ़ लेते हैं, ये फूड वाले सारे क्वेश्चंस। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, कमीशन 10% दिया हुआ है, मार्क प्राइस पे MRV पे होता है हमेशा कमीशन, 20% का लाभ कमा रहा है, इफ द कमीशन इंक्रीजेज 15% देन गेन परसेंटेज, मतलब तब प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, कमीशन ज़्यादा देने लग जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस से आ जाओ, MRP सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमेशा कॉमन होता है, अगर MRP 100 रुपये होती तो कितने में बेचता, 90 में बेचता, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 में होती तो 20% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचता, 120 रुपये में बेचता। अब देखो सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो सकती है, तो दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, तो यहाँ पे 90 रुपये सेलिंग प्राइस करने के लिए 90/120 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, सिंपल चीज़ होती है, जितना लाना है और उतने से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस 90/120 हो गई, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस कितना, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, 15% दे दिया कमीशन, तो 100 रुपये में नहीं, 90 में नहीं बेच के कितने बेच रहा है, 85 में बेच रहा है। अब देखो 75 में खरीदा और कितने बेच दिया, 85 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये का, कितने के ऊपर, 75 के ऊपर कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आपका सिंपल आ जाएगा, 25 × 75 40/3%, जो आंसर आएगा 40/3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन एकदम ऐसा क्वेश्चन था कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, इसमें कोई टॉपिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ़ ए कार्टून कंटेनिंग ए डजन ऑफ मिरर्स इज ड्रॉप्ड, एक कार्टून है उसके अंदर डजन यानी 12 मिरर हैं, कितने मिरर हैं, 12 मिरर हैं, वो गिर जाता है, ये एक ऐसे कार्टून है उसके अंदर 12 मिरर रखे हुए हैं, वो गिर जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशियो ब्रोकन मिरर्स टू द अनब्रोकन मिरर, ब्रोकन मिरर और अनब्रोकन मिरर के अंदर क्या रेशियो हो सकता है, ठीक है, तो इसका एक फिट फॉर्मूला है कि 12 से अगर टोटल मिरर 12 हैं तो हर रेशियो का जो टोटल होता है वो 12 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, तो देखो 4 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है, तो कौन सा नहीं कर रहा है,
सी नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 216 रुपए हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, कितने रेशियो में, 2:3:4 के अंदर है, ठीक है। तो नंबर और 50 पैसे के कॉइन आपको निकालने हैं। अब देखो, 1 रुपया हो गया, 50 पैसे को मैंने रुपए में बदल लिया तो 1/2 हो गया, 25 पैसे को भी 1/4 बदल लिया, तो इनका रेशियो निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4:2:1 हो गया। अब नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया, 2:3:4 हो गया। अब ये क्या रेशियो हो गया, रुपए वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स। अब देखो, 4 रुपए के 2 सिक्के, एक तरीके से ऐसे ही मान लो 8 रुपए हो गए, 3 के 2 हैं, 6 रुपए हो गए, 4 का 1 है तो 4 रुपए हो गए, टोटल मिला के कितने रुपए हो गए यहाँ पे, 14 और 4 18। अब 18 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 216 आ जाएगा, क्योंकि टोटल रुपए 216 है, तो देखो 180 में 36 और जोड़ दो 216 आ जाएगा, तो यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछा गया है अपने से, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 72, यानी कि 50 पैसे के 72 रुपीज़ के सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 144, यानी कि अगर 50 पैसे के 72 रुपए के 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपए में 2 सिक्का होगा, तो 72 रुपए में कितने हो जाएंगे, 144 सिक्के हो जाएंगे। सिंपल, वैल्यू को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, टोटल वैल्यू से कंपेयर करना है, और सिंपल आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक बार मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ। एक मिनट, ओके, नाउ वी कैन कंटिन्यू। ओके, ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ सिंपल रेशियो, सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ए इज ट्वाइज एज फास्ट एज बी, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ए की जो स्पीड दी गई है वो क्या दी गई है, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है, तो ए बराबर टू बी, बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, ठीक है, सी इज 3b, ठीक है, बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, ठीक है, बी इज इक्वल टू 3c, ऐसे दिया हुआ है लैंग्वेज के अंदर। अब सी की टाइम दिया हुआ है तो बी का टाइम पूछा गया है आपसे। सिंपल, ए बी सी का रेशियो निकालो सबसे पहले, तो ए बी सी का रेशियो निकालो, सबको ए की फॉर्मेट में ले आओ, ए को भी बी के फॉर्मेट में लिख लिया, बी को बी के फॉर्मेट में लिख लिया, और सी को बी के फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, बी बटा 3 आ जाएगा, सी बराबर बी बटा 3। तो ये किसका रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। अब यहां से काट दो इसको, बी से बी कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6:3:1 ये रेशियो आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब ये रेशियो किस चीज का आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो, 42 मिनट में स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम क्या होता है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो 1/6 टाइम के लिए, 1/3 और 1/1 का मतलब 1। अब सी डिस्टेंस कवर करता है कितने मिनट में, 42 मिनट में, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 42 से मल्टीप्लाई हुआ, तो बी के लिए क्या कर दो, 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल रेशियो कन्वर्ट करना है, स्पीड से टाइम में करना है, सिंपल, जब आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में भी कोई कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉफिट लॉस का किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था, सिंपल एक नॉर्मल सोच रखनी थी। यहाँ पे बोला सीपी ऑफ 2 dozen मैंगोस, यानी 24 मैंगो हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 32 रुपये। आफ्टर सेलिंग 18 मैंगोज एट 12 RS पर डजन, यानी कि 18 मैंगो हैं, यानी कि 1 dozen और आधा दर्जन, तभी तो 18 हो गए, तो 1 dozen की वैल्यू 12 रुपये, आधे की 6 रुपये, तो कितने रुपये में बेच दिए, 18 रुपये में बेच दिए। अब रिड्यूस रेट उसने क्या कर दी, 4 रुपये पर डजन कर दी, बचे हुए की कितने बच गए यहाँ पे 18 के बाद में, 6 बच गए, यानी आधा डजन बच गया, यानी 2 रुपये में बेच देगा, क्योंकि 12 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 2 हो जाएगी। टोटल कितने रुपये उसने इकट्ठे कर लिए, 20 रुपये उसने इकट्ठे कर लिए, कमा लिए 20 रुपये। लाया कितने में था, 32 रुपये में, कितने का लॉस हो गया, 12 रुपये का लॉस हो गया, कितने पे, 32 पे। ये लीजिए, निकाल लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे, 32 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 18 बच गए,
18 के बाद में 6 और बच गए तो 4 रुपए में उनको बेच दिया, तो 2 रुपए में बेच दिया, तो 20 में बेच गए तो 12 रुपए का लॉस हो गया। इसके बाद में आप लोग इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 RS/kg। 9 RS/kg की 27 किलो है, 7 रुपये पर केजी के साथ कितने मिक्स किया जाए कि 10% का फायदा हो जाए 9.24 रुपये पर केजी का। तो जब मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पे तीन जगह होती है। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है और ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा रहे हैं। सेम क्वांटिटी। अगर यहाँ पे सी पी है तो यहाँ पे भी सी पी, यहाँ पे भी सी पी। अगर मेरे को मिक्सचर एलिगेशन लगाना है तो यहाँ पे 9 रुपये, यहाँ पे 7 रुपये, तो ये भी सी पी है, ये भी सी पी है, लेकिन यहाँ पे मेरे को 9.24 जो रुपये दिया गया है वो तो सेलिंग प्राइस है, तो उसको मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। अब देखो 10 रुपये का फ़ायदा हो, 10% का क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। 10% के फायदे का मतलब हो गया 100 रुपये में खरीदी और कितने बेच दी, 110 में बेच दी। निकालो रेशियो, 10:11। अब ये 11 में नहीं खरीद के कितने बेच रहा है, 9.24 रुपये में बेच रहा है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, 11 को 9.24 निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 9.24/11 से। तो इसको भी कितने से कर दो, 9.24/11 से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो 10 × 9.24/11 इससे डिवाइड करोगे तो ये 8.4 आ जाएगा, तो ये टोटल आ गया। अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 0.84 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 8.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी सीपी आ जाएगी वो 8.4 आ जाएगी, कर लो 0.6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.4, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7:3। अब ये जो 3:3 वाली केजी है वो कितनी है, 27 है, तो 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँ, 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाएगा, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 63 kg। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लग रहा हो कि ऐसे ही पेपर आगे और भी सोल्व कराने चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर बैंकर्स पॉइंट की जो ऑनलाइन कोचिंग है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसको विजिट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।